सभी गलत कार्यों की नींव मन से होता है। यदि मन परिवर्तित और पवित्र हो जाए तो गलत कार्य नहीं रह सकता है। जो लोग चतुराई से जीते हैं उन्हें मौत से डरने की जरूरत नहीं होती है। एक जलते हुए दीपक से हजारों दीपक जलाए जा सकते हैं, जिसकी कोई सीमा नहीं है, फिर भी उसकी रोशनी कम नहीं होती है। ठीक उसी तरह खुशियां बांटने से खुशियां कम नहीं होती है, बल्कि और भी बढ़ती है। घृणा को घृणा से खत्म नहीं किया जा सकता है, बल्कि इसे प्रेम से ही खत्म किया जा सकता है, जो कि एक प्राकृतिक सत्य है। जो बीत गया उसमें नहीं उलझना चाहिए, ना ही भविष्य को लेकर ज्यादा चिंतित रहना चाहिए, बल्कि हमें वर्तमान में ही जीना चाहिए। यही खुशी से जीने का रास्ता है। हजारों लड़ाई लड़ने के बजाय खुद पर विजय प्राप्त करना चाहिए, फिर जीत हमेशा खुद की होगी, जिसे कोई छीन नहीं सकता है। जैसे बिना आग के मोमबत्ती नहीं जल सकती है, ठीक उसी तरह बिना आध्यात्मिक ज्ञान की इंसान नहीं रह सकता है। शांति हमारे अंदर ही छिपी हुई है, इसे बाहर ढूंढना व्यर्थ है। जो व्यक्ति ईर्ष्या और जलन की आग में तपते रहते हैं, उन्हें कभी भी शांति और सच्चा सुख प्राप्त नहीं होता है। अज्ञानी होना बैल होने के बराबर है, जो सिर्फ आकार में बड़े होते हैं, लेकिन उनके दिमाग में कोई वृद्धि नहीं होती है। क्रोधी व्यक्ति की स्थिति ठीक वैसी ही होती है, जो कि जलते हुए आग के टुकड़े को पकड़ने की कोशिश करते हैं, जिसमें वे स्वयं जलते रहते हैं। भले ही चाहे कितनी अच्छी बातों को पढ़ ले या उन्हें सुन ले, उसका तब तक फायदा नहीं है जब तक हम खुद उस पर अमल ना करें। जीव एक ऐसा हथियार है जो बिना खून निकाले ही मार देता है।